अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और ये है आपकी उर्दू की कॉपी। तो चलिए जी, आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाहिद जमा, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कॉपीज़ में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं वाहिद जमा का। यहाँ हमें वाहिद गिवन है और हमें उसकी क्या लिखनी है? जमा लिखनी है। जैसे कि किताब, यानी एक किताब है तो जमा बन के वो क्या हो जाएंगी? किताबें। किताबें कैसे लिखते हैं? जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही सब बच्चे अपनी कॉपीज़ में लिखिए। दोबारा हमारे पास है नंबर टू, हमारे पास है कापी। कापी यानी एक कापी है, अगर हम उसको जमा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कापियाँ। ठीक है, कापियाँ। जूता नंबर थर्ड है हमारे पास, जूता। जूता यानी एक जूता है तो उसको हम जब जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? जूते। जिम वाओ जो ते बढ़िए ते, जूते। ठीक है, फिर हमारे पास है मेज़। मेज़ यानी एक मेज़ है और जब एक से ज़्यादा मेज़ यानी जमा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेज़ें। बच्चों, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी, तो मेरे साथ साथ सब अच्छा अच्छा काम करिए। हमारे पास मेज़ के बाद है कुर्सी। कुर्सी यानी एक कुर्सी है, अगर हम उसे जमा में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कुर्सियाँ। काफ़रे कुर सीनियलिफ सी नून गुन्ना, कुर्सियाँ। ठीक है, फिर हमारे पास लड़की। लड़की यानी एक लड़की है और अब जब ज़्यादा लड़कियाँ यानी जमा में होंगी तो क्या लिखेंगे? लड़कियाँ। ठीक है, लड़का। लड़का भी इसी तरह, जैसे लड़का है तो उसको हम क्या लिखेंगे? लड़के। फिर हमारे पास दिन। दिन का क्या होगा? दिनों। फिर है हमारे पास काम। काम का क्या होगा? कामों। लास्ट वन है हमारे पास रात। रात एक रात होती है और एक से ज़्यादा होंगी तो रातों। ठीक है, अब मेरे साथ सब पढ़िए। किताब, किताबें। कापी, कापियाँ। जूता, जूते। मेज़, मेज़ें। कुर्सी, कुर्सियाँ। लड़की, लड़कियाँ। लड़का, लड़के। दिन, दिनों। काम, कामों। रात, रातों। एक दफ़ा देख लीजिए, सब बच्चे अपनी कॉपीज़ में देख लीजिए। बिल्कुल एज़ इट इज़ आप लोगों ने अपनी स्कूल की उर्दू की कॉपी में ये वाला वर्क करना है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।